हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आई एम डॉक्टर मनदीप। ब्रेस्ट कैंसर को नॉर्मली हम ये समझते हैं कि इट इज़ अ डिजीज ऑफ फीमेल्स, बट ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो अफेक्ट्स मेन। ये मेल्स में भी होता है। हाँ, ऑब्वियसली द प्रपोर्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल्स वर्सेज प्रपोर्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन मेल, द कंपेरिजन इज वेरी स्क्यूड। सो 1% ऑफ द टोटल ब्रेस्ट कैंसर इज एक्चुअली मेल ब्रेस्ट कैंसर। बट इशू क्या है मेल ब्रेस्ट कैंसर के साथ? मेल ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मली इज एसोसिएटेड एट द ओल्डर एज ग्रुप, 6th या 7th डिकेड पे होगा। दूसरा, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेल ब्रेस्ट कैंसर, मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन लोगों को मेल ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है। स्पेसिफिकली पेशेंट्स हु कंज्यूम लॉट ऑफ एल्कोहल। सो अल्कोहल से क्या होता है कि ईस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। दोज पेशेंट्स हु आर ऑन एनी फॉर्म ऑफ हार्मोन थेरेपी, स्पेसिफिकली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जिसको दिया जाता है, सर्टन मेडिकेशन ऑल्सो लीड टू हाई ईस्ट्रोजन कंटेंट। ओबिसिटी, जो ईस्ट्रोजन है वो फैट में भी बनता है, तो पेशेंट्स हु आर हैविंग हाई फैट कंटेंट वुड ऑल्सो हैव अ हाई चांस ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर। और कुछ जेनेटिक कंडीशन होती हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें दो एक्स जो फीमेल का क्रोमोजोम है वो एक मेल में दो होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अगेन ईस्ट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है तो ब्रेस्ट कैंसर, मेल ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। जो फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या प्रोस्टेट कैंसर की, उससे भी मेल ब्रेस्ट कैंसर का रिलेशन है। तो स्पेसिफिकली अगर ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है, तो दोस मेन ऑफ दोस फैमिलीज शुड बी केयरफुल। ये कुछ फैक्टर्स हैं। और लास्टली, आजकल क्या है, जैसे हम जो फूड में पेस्टिसाइड्स या इवन DDT, तो ये सब क्या है, ये सब भी जाके जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में उसको जाके बाइंड करता है, उसको एक्टिवेट करता है। तो दैट इज़ वाई वी आर नाउ सीइंग द राइज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और इन दैट राइज मेल ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो। कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट से पहले आई वुड से कि हम डायग्नोसिस या इसको भी हम कैसे जल्दी पकड़ें। तो अगर कोई गठान, कोई पेन, निपल में कुछ चेंज या कुछ फ्लूइड अगर निपल से आ रहा है, ऐसा कुछ हमें लग रहा है, तो दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट, मतलब हम मेल्स को भी ये चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपने आप को इवैल्यूएट कराइए, आप डॉक्टर से मिलिए। तो नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली यही होता है कि एक क्लिनिकल टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होगा, फिर अल्ट्रासाउंड होगा, ज़रूरत होगी तो मैमोग्राम होगा, और फिर अकॉर्डिंगली बायोप्सी, MRI और ये सब होता है। मेल ब्रेस्ट कैंसर के साथ इशू ये है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो कम होता है। तो हम ब्रेस्ट कैंसर में क्या बोलते हैं कि अगर वो स्किन में चला गया या मसल में चला गया तो एडवांस स्टेज है। तो मेल ब्रेस्ट कैंसर के साथ यही इशू है कि ये बहुत जल्दी एडवांस स्टेज, मतलब स्किन इन्वॉल्वमेंट जल्दी हो जाती है, मसल में जल्दी चला जाता है, जिससे जो स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बिजनेस फीमेल्स के, अगर यही 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का लंप एक फीमेल में हो तो वो स्टेज 1 स्टेज 2 के अराउंड रहेगा, बट अगर यही लंप मेल में हो जो स्किन इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो वो स्टेज 4B तक चला जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। द गुड पार्ट अराउंड ऑफ मेल ब्रेस्ट कैंसर इज के मेजॉरिटी ऑफ मेल ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन पॉजिटिव होता है। तो इसको अगर हम, जैसे मेरे पिछले कुछ 3-4 पेशेंट्स थे जो फॉर्चुनेटली वी वर एबल टू कैच दैट एट अ अर्ली स्टेज, तो उसमें आप सर्जरी करिए, और सर्जरी के बाद आजकल रिस्क असेसमेंट होता है, तो हम रिस्क असेसमेंट से ये समझ लेते हैं कि ये हार्मोन थेरेपी तो हमने देनी ही है, तो क्या ये पेशेंट सिर्फ हार्मोन थेरेपी से ट्रीट हो सकता है कि इनमें कीमो की ज़रूरत है? तो अगर लो रिस्क है तो हम सिर्फ हार्मोन थेरेपी से उनको ट्रीट कर सकते हैं, हमें कीमो हम उसमें अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेल ब्रेस्ट कैंसर के अराउंड ये अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि इसमें इनके सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए और जल्दी प्रेजेंट करिए, ताकि हम जल्दी डायग्नोज करें, जल्दी ट्रीट करें, और अगर जल्दी ट्रीट करेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट भी काफ़ी सिंपल होगा, और सर्वाइवल अमाउंट है, जैसे अगर अर्ली स्टेज है तो एज हाई एज 80-90%, तो हम ये अच्छा सर्वाइवल भी अचीव कर पाएंगे। स्टे फिट एंड बी अवेयर।